अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं तौसीफ भट्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर पंचायती राज, जिनका आज कोलगाम का दौरा था। तो तीन बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हो चुके हैं, तो अभी चौथा जो होने वाला है तो उसके लिए यहाँ पे आए थे आज। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम करना चाहते हैं। शुक्रिया बहुत, शुक्रिया बहुत। सर अगर देखा जाएगा जो पंचायती राज है, जिसको जो डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पर पहुँचाया गया, तो ये कितना ज़रूरी था और इससे कितना फ़ायदा मिला है? मुझे लगता है लोग इसके गवाह हैं कि जो ये 2018 से आया था और कुछ इलेक्शन की जो नशिस्तें थी वो 2019 में भी भरी गई थी, और उसके बाद एक ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। कुछ वैकेंसी भी हैं, उनके लिए इलेक्शन का फैसला जो है वो सरकार कब लेंगी जो खाली नशिस्तें हैं। इससे सबसे बड़ी बात जो है कि गाँव की ये अक्कासी करता है। यहाँ लोग अपने जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उनके मुतालिक बोलते हैं, और जब एक प्लान इस लेवल पर बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोगों की ख्वाहिशात हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे आसान हो जाए, सो वो उसमें मावनत मिलती है। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में अभी ये 3-4 साल पहले ही एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, इसलिए इट इज़ अ प्रोसेस, इट टेक सम टाइम टू ग्रो। अगर आप बाकी स्टेट्स में देखें उनको 25-25, 30-30 साल हो गए हैं। सो अगर देखा जाए पिछले 3-4 साल में काफ़ी बेहतरी आई हुई है। इस वजह से देखिए मैं बताता हूँ आपको कि पंचायत के बनने के बाद गवर्नमेंट ने एक ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें एक अफसर को पंचायत के हर पंचायत पे भेजा जाता है, और वहाँ पंचायत पे भेजे जाने के बाद वो एक डाटा कलेक्ट करता है। दैट डाटा बिकम्स द बेसिस फॉर प्लानिंग एट द हायर लेवल, जिसके हिसाब से आपको बैक टू विलेज की ग्रांट्स दी जाती हैं, कुछ आपके पास PRI की ग्रांट्स आती थी, कुछ आपकी 14th फाइनेंस। सो जो रिसोर्स पोल की किटी है वो एक बढ़ जाती है इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से। और जब लोग ही फैसला लेते हैं इसके बारे में कि हमारा प्रायोरिटी एरिया क्या है, तो लोगों को जो ज़िंदगी में बेहतरी आने का स्कोप है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि बैक टू विलेज अगर हम एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की ये मंशा है कि हम इसको ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली जितनी भी डिमांड्स आती हैं और अपने पूल ऑफ रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए हम उस रिसोर्सेज में किस तरह इनकी ख्वाहिशात को इंक्लूड कर सकते हैं।